अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिटे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 9 है, सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। अब हमारे पास हमें एक प्रॉब्लम 41 है, एक फिक दी गई है 9.55, जिसमें आपको एक बड़ा ब्लॉक दिख रहा है, उसके दाएं बाएं लेफ्ट और राइट पे छोटे ब्लॉक है। टू एंडेड रॉकेट इसे कहा गया। वो कहता है इनिशियली स्टेशनरी स्टेट पे है, यानी इब्तदाई तौर पर मोमेंटम जीरो है। विद द सेंटर हम उसे ओरिजन मानते हैं, ये ओरिजन है भाई हमारा। रॉकेट कंसिस्ट ऑफ सेंटर ब्लॉक सी, जिसका मास 6 kg है, लेफ्ट और राइट वाले का मास 2 kg है, यानी 2 kg ये है, 2 kg ये है। अब वो कहता है स्मॉल एक्सप्लोजन कैन शूट आइदर साइड ब्लॉक अवे। अब वो कहता है अगर ये शूट करेगा तो इस ब्लॉक को इधर धिक्का मारेगा, अगर ये शूट करेगा तो ब्लॉक को इधर धिक्का मारेगा, ठीक है। अब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये गेम सारी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगी। सीक्वेंस क्या, मामलात कैसे चलते हैं, इस बात पे चलते हैं। पहले जब टाइम जीरो था तो एल को शूट करता है, यानी ये फटता है। अब आपके पास जाहिर है जब ये फटेगा तो आपके पास टू द लेफ्ट विद द स्पीड 3 meter per second रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ एक्सप्लोजन गिव द रेस्ट ऑफ मास, यानी इसकी जो एल की स्पीड है वो 3 meter per second है टू द लेफ्ट, यानी आपके उल्टे हाथ की जानिब। फिर नेक्स्ट टाइम जो थोड़ी देर के बाद 0.8 second पे आर भी शूट करता है टू द राइट इस जानिब, ठीक है, और उसकी स्पीड भी कितनी है 3 meter per second रिलेटिव। अब जाहिर है ये तो चला गया, अब सिस्टम में सिर्फ क्या बाकी बचा था, सी बड़ा ब्लॉक, तो इसके लिहाज से उसकी वेलोसिटी इतनी है। पहले पूरे सिस्टम के रॉकेट के लिहाज से थी, दोनों के लिहाज से, ये समझने वाली बात है बस। फिर वो कहता है 2.8 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ और पोजीशन ऑफ द सेंटर बताओ। अच्छा जी, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले इस हिस्से को लेके सोचते हैं कि इस हिस्से में क्या हुआ है। तो आपके पास जो लेफ्ट वाला ब्लॉक था उसकी स्पीड 3 meter लेफ्ट की जानिब थी, लेफ्ट की जानिब नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो हम लिखेंगे वी आई माइनस थ्री। माइनस थ्री इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन में देखें, टाइम जीरो पे तो आपके शुरू में तो दोनों रेस्ट पे थे, स्टेशनरी स्टेट थी, तो इब्तदाई मोमेंटम तो क्या होना चाहिए, जीरो। बाद में अब क्या हो गया, एल वाले का आपके पास क्या आ गया, वी आई माइनस थ्री, और बाकी सिस्टम में कितनी चीजें थी, सी और आर, तो मैंने लिखा एम सी प्लस वी आर, और ये इंटू क्या आ जाएगा, वी आई के रिमेनिंग जो है आपके पास, ठीक होगी बात। अब इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे, ये अंदर जरब खा जाएगा, यहाँ से वी वन निकाला जा सकता है, इन दोनों में से कॉमन लेके सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे। फिर अब आपके पास ये 0.6 meter per second आ जाएगा। इसके बाद वाली सिचुएशन क्या है, अब 0.8 सेकंड के बाद जो अगले आपका शूट करता है आर, ये राइट की जानिब करता है, मगर उस लम्हे अब आपका जो इब्तदाई मोमेंटम था, जाहिर है ये थोड़ी देर बाद हुआ, उससे पहले तो अब ये एज अ सिस्टम काम कर रहे थे ना, इसमें रेस्ट ऑफ द सिस्टम में क्या था, सी और आर थे, तो इब्तदाई मोमेंटम अगर कोई मुझसे पूछेगा तो एम सी प्लस वी आर इंटू वी वन, ये उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, और बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम सी वी टू प्लस एम आर वी प्लस थ्री, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये इधर जाएगा तो ये नतीजा तन दूसरी तरफ जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ये। इस सारे को लेके वी टू हमें रिक्वायर्ड है, वी टू को नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि जब ये इस जानिब जाएगा तो एक्शन करेगा, नतीजा तन सी किधर जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब जाएगा, तो इसलिए इसका जवाब माइनस में आ रहा है। तो अब अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो से 0.8 सेकंड में कितना हुआ, तो वो 0.48 था, 0.8 से 2.8 सेकंड में कितना होगा, तो वो आपके पास माइनस 0.30 मीटर आ जाएगा। टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों को टोटल डिस्प्लेसमेंट सम अप कर लेंगे तो 0.18 आ जाएगा, तो इसका मतलब जो सेंटर है वो 0.18 मूव कर देगा। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।